सो गाइस, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि यार हमें एक टॉप ऑफ द क्लास गेमिंग पीसी बिल्ड करना है और हम उसमें यूज़ कर सकते हैं या तो कोर i9 10900K या फिर राइजन 9 3900X। सो गाइस, ये जो पीसी बिल्ड होता है, अब इसमें काफ़ी लोग का सवाल होता है कि यार हमें कौन सा सीपीयू यूज़ करना चाहिए, क्या हमें 3900X यूज़ करना चाहिए या फिर हमें 10900K यूज़ करना चाहिए, हमारा क्या यूज़ है और हमें मतलब हम पैसा देने को तैयार हैं, मनी हमारा एक प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें कौन सा सीपीयू बाय करना चाहिए जो हमें बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे। मुझे 4K गेमिंग करनी है, ठीक है, मुझे FPS भी चाहिए, 100 से अबव FPS चाहिए, या फिर मुझे 1080p गेमिंग करनी है और मेरे पास 3048 का मॉनिटर है तो मुझे 350 FPS चाहिए, मैं 10 FPS भी कम नहीं कर सकता, तो मैं कौन सा सीपीयू लेना चाहिए और मतलब कौन से जीपीयू के साथ ये सीपीयू आपको पेयर करने चाहिए, तो वो सारा जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कोर i9 10900K को एंड राइजन 9 3900X को कि बेस्ट सीपीयू, मॉन्स्टर सीपीयू गेमिंग के लिए कौन सा है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि यार मेरा नाम है चेतन नायम और आप सब देख रहे हैं टेक नाइट इंडिया यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग की। अगर आपका भी इंटरेस्ट हो पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग में, तो मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, देर नहीं करेंगे एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, पहले तो मैं थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशंस की तरफ आ जाता हूँ। तो पहले हम कोर i9 10900K की स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कोर i9 10900K में आपको देखने को मिल जाता है 10 कोर 20 थ्रेड आपको देखने को मिल जाते हैं इस सीपीयू में। देन उसके बाद इसकी जो बेस क्लॉक है वो 3.86 होती है स्टार्ट, और उसकी सिंगल कोर की बूस्ट क्लॉक है वो 5.20 है, एंड जो आपके ऑल कोर्स हैं, जो आपके 10 के 10 कोर हैं, उनकी बूस्ट क्लॉक है 4.80 GHz की, ठीक है। कैच जिसमें 20 MB की कैच मेमोरी मिल जाती है, कैच 3900X के कंपेरेबल में कम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कम क्या है और क्यों नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ राइजन 9 3900X के स्पेसिफिकेशंस की। तो इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं 12 कोर एंड 24 थ्रेड्स कंज्यूमर लेवल पे, भाई काफ़ी मॉन्स्टर सीपीयू है ये, मतलब आप 12 कोर 24 थ्रेड मतलब कि एक अलग ही लेवल हो जाता है। देन उसके बाद ये जो सीपीयू बेस्ड है, ये सीपीयू आपका 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है, तो आपका पावर एफिशिएंसी भी है जो कोर 9 10900 की ऐसे पावर एफिशिएंसी कम है इसकी, ठीक है, ये तो बात हो गई। देन उसके बाद उसकी क्लॉक्स पे आ जाते हैं, तो इसमें आपको मिल जाती है 3.78 GHz की, आप मुझे इसमें बेस मिल जाती है, बूस्ट आपको इसमें देखने को मिलती है 4.90 की सिंगल कोर की, एंड ऑल कोर जो है इसके 4.60 पे इसकी बूस्ट जाती है, ठीक है। ये अप टू 5 GHz ना तो उसका सिंगल कोर जाता है और ना ही इसका मल्टी कोर जाता है, वो अलग बात है कि अगर आप नाइट्रोजन कूलिंग लगाएगा, अगर आप एक एक्सट्रीम ओवरक्लॉक करो तो आप इसे ओवरक्लॉक करके ऊपर ले जा सकते हैं, बट देखो मैं मतलब बेसिक से बात करूँगा, मैं ज़्यादा ओवरक्लॉकिंग की तरफ जाऊँगा नहीं, ठीक है। तो आपको कुछ बेंचमार्क्स भी, आपको सिनी बेंच के सिंगल थ्रेड बेंचमार्क्स और मल्टी कोर बेंचमार्क्स भी आपको स्क्रीन पर दिखेंगे वीडियो में, तो उसे भी आप पॉज करके देख सकते हैं, आप देख के समझ जाएंगे कि यार कौन सा आपको क्या बेटर है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले कि मल्टी कोर सिनेरियो की, ठीक है। लाइक जैसे कि आप हैं, अगर जैसे कि आपको काम करना, लाइक यू आर स्ट्रीमर, ठीक है, आपके पास एक ही पीसी है, पर आपको एक ही पीसी इतना अच्छा बनाना है जिसपे आप इजीली अपना आपका जो है स्ट्रीमिंग कर सकें और आपको कोई मतलब गेमिंग में भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, ठीक है, तो उस सिनेरियो में जो है आपका 3900X आप बेस्ट चॉइस है, ठीक है, सीपीयू के लिए, क्योंकि उसमें एक तो उसका सिंगल कोर परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है, देन उसके बाद उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं 12 कोर और 24 थ्रेड मल्टीटास्किंग में, भाई मॉन्स्टर सीपीयू काफ़ी अच्छा वेल ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब मल्टीटास्किंग मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, जैसे काम करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइज सीपीयू, ठीक है। लाइक अगर आप एक OBS से, लाइक आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो आप x264 यूज़ करके अपना सीपीयू यूज़ करके आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, उससे आपके जीपीयू पर लोड नहीं पड़ेगा, तो आपको फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह में भी काफ़ी फर्क दिखता है, मतलब फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह इतना नहीं होता है, ठीक है। तो आपको लाइक करना है, आपको करनी है लाइक एडिटिंग, लाइक आपको 4K लेवल के आप एक एडिटर हो, ठीक है, तो एडिटिंग के लिए भी जैसे कि i9 10900K भी अच्छा है, बट बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस जो है आपको एडिटिंग, स्ट्रीमिंग या फिर कोई भी मल्टीटास्किंग काम, जैसे कि आप यूज़ करते हैं कोई ऑटो कैड के बड़े स्टूडेंट हैं, या फिर आप माया जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, आप अनरियल इंजन यूज़ करते हैं, आप यूनिटी का इंजन यूज़ करते हैं, लाइक अगर आप कोई गेम डेवलपमेंट या ऐसी किसी चीज़ों में हैं, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मोर कोर्स जो कि आपका जो काम है वो सारा डिवाइड करके और एकदम फास्ट और आपका अच्छे से कर सकें। तो इस सिनेरियो में आपका जो है 3900X जीत जाता है 10900K से। स्क्रीन पर आज बेंचमार्क्स भी देख रहे होंगे कि यार मल्टी कोर परफॉर्मेंस में जो है सिनेबेंच 20 में भी आपका जो है 3900X आगे निकल जाता है। सो गाइस, अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, ठीक है, तो अब गेमिंग परफॉर्मेंस में भी 3900X 10900K से बिल्कुल मतलब हेड टू हेड टक्कर देता है, ठीक है। कोई फर्क कहाँ दिखेगा इन दोनों में गेमिंग परफॉर्मेंस का, ठीक है, 10900K ले रहे हो या फिर 3900X ले रहे हो गेमिंग के लिए, तो ऑब्वियसली आप एक RTX 2080 Ti लगाओगे,
ठीक है। अब ये बात है कि यार कोई मेरे भाई लोग आते हैं वो बोलते हैं यार मेरे को 350 FPS चाहिए तो चाहिए मेरे को, कोई मतलब मेरे को कोई पैसा को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बस FPS ड्रॉप नहीं होने चाहिए। भले उन्हें बस 30-40 FPS का फर्क भी अपने आंखों से पता नहीं चलता हो, बट उनको जो MSI Afterburner में 340 है तो उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, उतना FPS चाहिए। तो वो लोग यूज़ करते हैं 10900 के बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अगर आपको चाहिए मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है। 3900X और 10900K में खाली 2% का फर्क है गेमिंग परफॉर्मेंस में, ठीक है। और वो 2% का भी फर्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जब आप 2080 Ti जैसे कार्ड लगाओगे तो आपको 2% का फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप CS:GO खेल रहे हो 340Hz के मॉनिटर पे, ठीक है, तो आपने 3900X लगाया तो मान लीजिए आपको रफली 300 FPS आपको आ रही है, ठीक है। देन उसके बाद आपने कोर i9 9900K लगाया जिसकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, मतलब 3900X से थोड़ी सी बेटर है, तो उस पर आपको लाइक कुछ 20 FPS का फर्क आपको उस पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब रही बात, अब मेरे को एक बात बताइए, आप 20 FPS के लिए आप जो है अपना मान लीजिए अगर आप एक स्ट्रीमर, ठीक है, अब आपको 300 FPS तो आपको आ रहे हैं, ठीक है, अब आप उन 20 FPS के लिए आप अपने मल्टी कोर परफॉर्मेंस के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हो क्या आप उन 20 FPS के लिए, ठीक है। बात वो आती है कि मतलब अब जैसे कि 3900XX एक कंप्लीट पैकेज है, ठीक है, उसमें आपको FPS भी मिल रहे हैं, गेमिंग भी अच्छी हो रही है, सिंगल कोर भी अच्छा है, मल्टी कोर भी अच्छा है, ठीक है। तो ऑल ओवर जो वैल्यू फॉर मनी CPU है वो 3900X है, बट अगर आपको चाहिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मुझे कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस, मेरे पास दूसरा CPU है स्ट्रीमिंग के लिए, या फिर मैं दूसरा, मेरे पास पूरा PC है, पूरा मेरा दूसरा सेटअप है जिसपे मैं अपना एडिटिंग का काम कर रहा हूँ, जिसपे मैं अपनी स्ट्रीमिंग का काम कर रहा हूँ, जिसपे मैं कुछ भी अपना जो अदर टास्क है वो दूसरे PC के लिए कर रहा हूँ, मेरे को बस एक गेमिंग PC चाहिए जिसमें मुझे है ना बिल्कुल एक FPS का भी फ्रेम ड्रॉप ना दिखे, तो उन बंदों के लिए आता है कोर i9 10900K, ठीक है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस आपको इंटेल ही देगा, ठीक है। अब उस बेस्ट ऑफ द बेस्ट में से मतलब अगर आपको 5% थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, और अगर आप सिंगल PC है आपके पास उसी में आपको सब करना है, तो ओवरऑल जो है आपके लिए वैल्यू फॉर मनी पैकेज 3900X ही है, ठीक है। तो यार गाइस पूरे इस वीडियो में आपको मतलब बात का सार वही है कि यार इट्स डिपेंड्स अपॉन मतलब योर चॉइस, ठीक है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको काम क्या है, ठीक है। और लाइक जैसे कि आपके पास आपका वर्क है मतलब आप एडिटर हो या फिर ऐसे ऐसे जितना भी आपका जो मल्टीटास्किंग का काम है वो 3900X अच्छा करेगा, और अगर आपको पैसों का कोई दिक्कत नहीं, आपको चाहिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, तो 10900K आपके लिए। सो गाइस आज का वीडियो था वो इतना ही था, मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा। और यार गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यार इन दो प्रोसेसर्स का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं, और मैंने अपने अमेजोन का भी लिंक दिया हुआ है, अभी सेल चल रहा है, तो वहाँ से जाके आप कुछ भी चीज़ बाय कीजिए, इससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। ऐसे ही अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब के लिए धन्यवाद।